बहुत आनंददायक है और सनातन की जागृति से मन प्रफुल्लित है। सनातन में बहुत जागृति आई है। आज हर शनिवार और मंगलवार को इतनी भीड़ होती है मंदिर में, पैर रखने को जगह नहीं होती। ओ ये हमारे देश के आने वाले भविष्य को और यूथ के लिए भी, और यूथ के लिए बड़ी बहुत अच्छी बात है। यानी यूथ जाग रहा है, मूल बात यह है, और ये देश के लिए अच्छे संकेत है। 22 जनवरी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? 22 जनवरी तो ऐतिहासिक दिन है साहब, युवा वर्ग से ही ये आशा रखते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, आपका परिचय? मैं सागर जिला से माधव प्रसाद शास्त्री, हमारे ये बड़े भाई हैं अशोक मिश्रा जी, तो हम आए थे तो दर्शन करने यहाँ मंदिर की दिव्य इस अलौकिक छटा को देख कर के मेरा भाव इतना भाव विभोर हो गया। यहाँ के तन में, मन में, सबके हृदय में भगवान हनुमान जी राघवेंद्र सरकार निवास कर रहे हैं, और युवा वर्ग से यही आशा करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। बालाघाट स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर दक्षिणेश्वर भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर है, जो अपने आप में अतिशय सिद्ध मंदिर है। विगत लगभग 300 वर्षों से ऊपर यह मंदिर यहाँ पर स्थापित है और श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इसकी व्यवस्था और प्रबंधन किया जाता है। यह मंदिर श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत आता है और प्रत्येक मंगलवार शनिवार इसी प्रकार से बहुत सी अनंत भक्तों की भीड़ यहाँ पर उपस्थित होती है, भगवान के श्री चरणों में अर्जी लगाती है। और हम कई वर्षों से इस मंदिर से जुड़े हैं और तब से हमने आज तक ये देखा है कि कोई भी ऐसी मनोकामना व्यक्ति की नहीं है जो यहाँ से भगवान ने पूर्ण ना की हो। कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं गया है, ऐसी भगवान की यहाँ मान्यता है। और बहुत ही पवित्र, बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर है और सबसे बड़ी बात यह कि भगवान यहाँ पर स्वयंभू हैं, स्वयं से प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवत कृपा सब भक्तों पर बराबर बनी है। पंडित कपिल देव शास्त्री, मुझे यहाँ 15 साल हो गया पुरोहितगिरी करते हुए और हालांकि मैं बचपन से यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर भगवान के दर्शन बहुत बाल्यकाल से देखे हैं और हमारे यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग आते हैं सबका कहना यह है कि हम भी अपने पिताजी के साथ आते थे। यहाँ तक कि 90-92 साल के लोग जो हैं उनका कहना यही आया कि हम जब छोटे से थे तब से अपने पिताजी के साथ आ रहे हैं। तो ऐसा उनकी पूर्णतः पूर्णकालिक उम्र तो भगवान की कोई बता नहीं सकता यहाँ पर स्थापना की, लेकिन फिर भी जहाँ तक हम मानते हैं कि 300 वर्ष के ऊपर भगवान का यहाँ पर प्राकट्य है। 300 वर्ष, उससे ऊपर का है, 300 वर्ष तक की जानकारी हमारे पास। मेरा परिचय पंडित पूरन दुबे, अगर 15 वर्षों से यहाँ पूजा आरत कार्य करते हैं और पूरे समस्त मंदिर देख रहे प्रसाद। शाम की आरती का, महाआरती का समय है 7:30 बजे, 7:30 बजे होती है, उसके बाद महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम। मेरा नाम पलेश मकपुरे है। आज हमारे बालाघाट संकट मोचन हनुमान मंदिर कालीपुदी चौक बालाघाट में हमारे बीच आदरणीय विधायक अन्ना मुजारी जी उपस्थित हुए आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आज यहाँ भंडारा का भी आयोजन किया गया महाप्रसाद, जैसे कि देखने में बहुत पब्लिक आने की जनसंख्या बढ़ते जा रही है। अभी 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया गया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम प्रतीक दुवार है। आप कर रहे हैं? ये मुझे हो गया 21 साल। मैं 31 साल का, मैं 9 साल का, तो तब से आ रहा। मैं संतोष ब्रह्म है, वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर बालाघाट में रहता हूँ। हाँ ढोलक, ये मैं तो करीब 45 वर्ष हो गए। 45 वर्ष? आपकी एज क्या है? मेरी एज है 65।
चार बार बोल दिया।